दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये लेखपाल के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ये लिखा हुआ है, मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूं, चकबंदी और राजस्व लेखपाल, ये नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, पहले यहाँ देख लीजिए, इसके लिए जो आयु सीमा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये पार्ट होता है सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास। सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न आएंगे, जिनके लिए जो अंक निर्धारित हैं वो 25 अंक का निर्धारित है। गणित के लिए भी 25 प्रश्न आएंगे और अंक निर्धारित है 25। सामान्य ज्ञान भी 25 है और अंक निर्धारित है 25। ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न आएंगे और इसके लिए भी आपका निर्धारित है 25। मतलब एक क्वेश्चन से आपको एक अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे इस सिलेबस में आपको मैथ्स पढ़ाना है, तो मैथ का भी सिलेबस आप देख लीजिए। मूलतः ये इसका सिलेबस है। कौन सा? सबसे पहला पढ़ना है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम, एससीएफ, सरलीकरण, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, कार्य समय, पाई चार्ट, आयत चित्र, दंड चार्ट। ये आपका केंद्रीय प्रवृत्त की माप से रिलेटेड है। समांतर माध्य, माध्यिका बहुलक, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण और गुणनखंड। द्विघात समीकरण में जो गुणनखंड होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। आगे मेंसुरेशन में सिर्फ दो चीजें ली गई हैं, तीन चीजें, आयत, वर्ग और वृत्त। ठीक है दोस्तों, अन्य मैंने इसलिए डाल दिया है कि कुछ चीजें और भी आपको अलग से बता देंगे, जैसे चतुर्भुज, घन और घनाभ। तो छोटी छोटे जो चैप्टर हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको अलग से हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके लिए हम पहला चैप्टर आपका शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, प्रश्न आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम उन प्रश्नों को कितनी तेजी से और कितनी जल्दी से हल कर सकते हैं। अगर हमें सारे प्रश्न आ रहे हैं और हम हल ही नहीं कर पाते हैं तो वो प्रश्न हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग हर प्रश्न को देखते चलेंगे, पहले उसका बेसिक देखेंगे, उसका ट्रिक देखेंगे, उसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जितना हो सकेगा आपको अधिक से अधिक समय की बचत कर लेनी है, और अगर समय की बचत हो गई तो फिर आपका ये एग्जाम बहुत ही बेहतरीन और सरल हो जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम में सबसे पहला शुरुआत करते हैं, जिससे बेहतर इंटरेस्ट जगे आप में, वो योगफल। पहला आपका शुरू करते हैं योगफल। योगफल में आप जानते हैं निश्चित तौर पर आपका एक प्रश्न आ जाता है। अब योगफल में क्या क्या है? योगफल में आपको बता दें, इनके पहला पार्ट है प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग दूसरा है आपका। दूसरा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है सम संख्याओं का योग। तीसरा जो पढ़ना है वो है विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग इसके बाद, तीसरे के बाद चौथा हम लोग पढ़ेंगे वर्गों का योग। वर्गों का योग चौथे के बाद दोस्तों पांचवा पढ़ेंगे इसी में, योग में देखिए, घनों का योग। इसके बाद पढ़ेंगे भिन्नों का योग। योगफल में देखिए सारा इसी में कर देंगे और आप भी फटाफट कर पाएंगे, इसमें टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगेगी दोस्त, बस विश्वास रखिए और एक तरफ से देखते और पढ़ते जाइए। अगला है आपका योग में, इन्हीं में होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्नों का योग, मिश्रित भिन्नों का योग इसमें क्या है? इसमें जो आपके प्रश्न आते हैं 1+1/2+1/2, 1-5, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो बस योगफल में हम लोग इतनी चीजें देखेंगे। तो पहला शुरू करते हैं दोस्त, कौन सा? प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं के योगफल में क्या है?
दो चीजें होती हैं, एक तो हम साल्ट हल कर सकते हैं और दूसरा इसका बेसिक हल कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों बताते चलते हैं, साल्ट भी और बेसिक भी। जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं रूल नंबर फर्स्ट या पहले रूल की, तो आपको पता है प्रथम यन धन पूर्णांकों का योग होता है, प्रथम यन धन पूर्णांकों का योग जो होता है वो होता है यन यन प्लस वन और पूरे का अपान टू, जहां एन बराबर टोटल नंबर ऑफ डिजिट, कुल पदों की संख्या। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रथम यन धन पूर्णांकों का योग बराबर यन यन प्लस वन अपान टू, जहां यन बराबर पदों की संख्या। एक चीज और, अगर हम सॉर्ट की बात करें कि इसे सॉर्ट कैसे कर लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाए तो कुछ नहीं करना है, ट्रिक सॉर्ट जो भी, ये आपका प्राकृत सम विषम सभी जगह काम करेगा। वो क्या है, यदि प्रत्येक दो पद के बीच का, यदि प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, बीच का अंतर समान हो, तो दो चीजें इससे क्लियर होंगी। पहली कौन सी, पहली औसत बराबर हो जाएगा यदि आपसे एवरेज पूछा जाए, तो प्रथम पद फर्स्ट डिजिट प्लस अंतिम पद लास्ट डिजिट और डिवाइडेड बाय टू, मतलब पहला और अंतिम पद को जोड़कर आप दो से भाग दे दें तो आपको मिल जाएगा औसत, और अगर इन्हीं पदों का हम योग पूछ लें तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ डिजिट, कुल पदों की संख्या। इतना याद कर लीजिए दोस्तों, आपका सारा वो प्रश्न हल हो जाएगा जिस प्रश्न में जिनके बीच अंतर समान होगा, जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, गुणजों का योग, ये सारा हल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आइए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, अभी फटाफट ये सब क्लियर होता चला जाएगा। कुछ भी है नहीं, एकदम सरल होता है, जरा भी इसमें ऐसा नहीं है कि हम सूत्र रटे, तीन चार सूत्र, अगर हर प्रश्न के लिए आप एक अलग सूत्र रटेंगे और साथ ही साथ एक नया रूल हर प्रश्न में मैं बताऊं कि इसके लिए ये ट्रिक है, इसके लिए ये ट्रिक है, तो बहुत बेकार हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने कहा एक से 100 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग, सभी धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। दोस्तों अभी आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद इस पर हम प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखे होंगे, आप जल्दी जल्दी उत्तर देंगे, वो ऑनलाइन होगा, सामने होंगे, फटाफट आपको मिलता जाएगा और आप जवाब देंगे, इधर हम जवाब देंगे। देखिए, एक से 100 तक का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे लिखते चले जाएं तो 100 तक। अब दोस्तों या तो हम इसके बेसिक रूल से करें, तो बेसिक रूल हमें पता है कि प्रथम यन धन पूर्णांकों का योग होता है, प्रथम यन धन पूर्णांकों का जो योग होता है वो होता है यन यन प्लस वन अपान टू, तो यन मतलब टोटल पदों की संख्या, एक से 100 तक की संख्या है, मतलब इसमें टोटल 100 पद हैं, अर्थात यन की वैल्यू 100 हो गई, और 100 में एक जोड़कर आपको दो से भाग देना है, तो मैंने ये कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 2 से 100 को काटेंगे 50 आएगा, ये हो गया 50 और गुणे में 101 बराबर 0 आ गया, 5 का 1 में करेंगे 0 और फिर 0 0, तो
तो एक से सौ तक की संख्याओं को जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा 5050। ठीक है, अब देखिए ये तो सब पढ़ते हैं और सभी पढ़ाते हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं है भैया। हम प्राकृत के लिए ये लिखाएंगे, फिर आपको विषम के लिए दूसरा करेंगे, सम के लिए फिर दूसरा करेंगे, तो ऐसा कुछ मत करिए। केवल मेरी एक बात का ध्यान रखिए और सारे प्रश्न चाहे 20 से हो जहां से भी हल हो जाएंगे। कौन सा? मैंने कहा अगर हर पद के बीच का अंतर बराबर हो, यहां देखिए एक है दो है तो इनमें अंतर एक का, दो है तीन है अंतर एक का, तीन है चार है अंतर एक का। जब अंतर बराबर हो तो आप हमेशा यूज करें औसत गुणे पदों की संख्या। देखिए हम आपको सारा योग इसी पर पढ़ा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब की जरूरत ही नहीं है। औसत क्या होता है? मैंने लिखाया अभी शुरू में रूल कि औसत अगर इनका अंतर सेम है तो पहला और अंतिम पद जोड़कर आप डिवाइड कर दीजिए दो से इनटू टोटल नंबर ऑफ डिजिट। कुल पदों की संख्या 100 है तो आप यहां गुणा करिए किससे? 100 से। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो गया 101 और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, और मित्र जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये वही आएगा जो उधर आया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि योगफल के लिए ये हो गया, या फिर n प्लस 1 हो गया सम का, विषम का n का स्क्वायर, इन सब चीजों का प्रयोग मत करिए। आप केवल और केवल एक रूल दिमाग में रखिए कि अगर प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो गया तो पहला औसत लगाएंगे और गुणे टोटल पदों की संख्या। पदों की संख्या प्रश्न से आपको पता चलता रहेगा, वो 20 से रहेगा तो भी मैं बताता हूं और लगातार रहेगा तब तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो किसका यूज करना है? औसत गुणे पदों की संख्या। और कोई भी प्रश्न हो बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे क्योंकि समय ही तो बचाना है। अब देखिए मैं और प्रश्न लिख रहा हूं, आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे पहला, दूसरा प्रश्न, एक से 80 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग, सभी धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीगर पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कुछ मत करिए दोस्त, एक से 80 का मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये डॉट 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 करते आप चले जाइए कहां तक? 80 तक। आप जब डॉट डॉट करते 80 तक चले जाएंगे तो देखिए इनके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर बराबर है 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, तो ये वर्क करेगा। अब औसत, औसत के लिए मैंने लिखाया पहला वाला पद, तो पहला पद इसमें एक है प्लस लास्ट डिजिट 80 है बटे दो, और इसमें टोटल पदों की संख्या 40 है। अब दोस्त इन्हें हल कर लीजिए, 80 में एक जोड़ेंगे तो 81 हो गया, इससे इसको काट दीजिए, ये आपका 20 हो गया। हल करिए, ये 0 आ गया, 2 एक के 2 और 2 8 16। तो अगर एक से मैं कहूं कि आप जोड़ दीजिए 80 तक तो कितना आ जाएगा? 1620। ठीक है दोस्तों, अब मुझे नहीं बताना है, अब आप ये सब फटाफट खुद ही कर सकते हैं। आइए मैं अब और दिखाता हूं। याद रखिएगा सिर्फ एक रूल का प्रयोग कर रहे हैं, आपको कितने सूत्र से बचा रहे हो आप खुद ही जान रहे हैं। अभी तो मैंने एक ही बताया, दूसरा देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे कहूं, मैं जैसे कहूं एक से 45 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग, सभी धन पूर्णांकों का योग, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब सूत्र याद हो चुका है, औसत गुणे पदों की संख्या। औसत क्या होता है? औसत होता है पहला पद और अंतिम पद जोड़कर हम लोग भाग देते हैं किससे?
दो से। अब बार बार थोड़े लिखेंगे, एक से लेकर 45 तक, फिर दोबारा, ये बार बार मत करिए। एक धन 45 बटे दो गुणे 45, दोस्त इसे तो आप हल ही कर सकते हैं। देखिए मैं कर दे रहा हूं, 45 एक हो गया 46 बटे दो और गुणे 45। देखिए एक चीज और नई बताता हूं, यहां दो से करेंगे तो ये 23 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ना तो आपको 23 का पहाड़ा याद है ना तो 45 का, तो वितरण नियम प्रयोग करिए, ध्यान से सुनिएगा। 23 गुणे 45 मतलब 23, 45 का टेबल नहीं याद है तो आप लिख लीजिए 40 प्लस 5। भैया मैं 45 लिखूं या 40 प्लस 5 लिखूं, दोनों चीजें एक ही होती हैं। अब आसान हो गया, इसका गुणा कर लीजिए जल्दी से, 0 आ गया, 4 तियाई 12 आ गया, 4 दुनाई 8 एक 9 आ गया, 23 चौका 92, प्लस 5 का गुणा कर लीजिए, 5 तियाई 15, 5 दुनाई 10 और एक 11, बस जोड़ दीजिए उत्तर आ गया, 5 आ गया, 2 एक 3 आ गया और 9 एक 10 आ गया, तो 1000 कितना आ गया 35। कुछ करना नहीं है, आप लिखते हैं 23 गुणे 45, तो इसका करते हैं इधर, ज्यादा टाइम लगता है, आप निकटतम जीरो में तोड़ लीजिए जिसे वितरण नियम कहते हैं। चाहे 45 को 40 प्लस 5 लिखें और चाहे दोस्तों लिख लें 50 माइनस 5। अब ये 40 हो गया तो जीरो आ गया, 4 का 3 में गुणा, 4 का 2 में गुणा, 5 का, तो आपका एकदम एग्जैक्ट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है भैया लोगों। आइए अब आप इसे भूलिए नहीं, फिर मैं याद दिला रहा हूं, अगर दिए गए हर दो पद के बीच का अंतर समान हो गया तो आप हमेशा यूज करिएगा औसत गुणे पदों की संख्या, ये पहला टाइप है। अब देखिए जैसे मैं एक आपसे और पूछ लूं, चौथा क्वेश्चन सॉरी, कि 1 से 75 75 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग, सभी धन पूर्णांकों का योग, तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 1 से 75 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 75 तक, तो जब 1 से 75 तक जाएंगे तो हर पद के बीच का अंतर समान है, और अंतर समान है तो पहला और अंतिम को जोड़कर सबसे पहले दो से भाग और गुणे इसमें जितनी संख्या है। तो मित्र 1 से 75 तक में तो टोटल 75 ही संख्या होंगी ना, 1 2 3 4 75, इन्हें जोड़ लीजिए, 75 एक 76 हो गया, बटे 2 हो गया और गुणे 75 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए काटते हैं, 2 3 6 1 7 2 8 16, दोस्त 75 का टेबल नहीं याद है तो आप 75 को निकटतम जीरो में लिखिए, चाहे तो आप 80 माइनस 5 लिखिए और चाहे तो 70 प्लस 5। अब देखो गुणा आसान हो गया, बराबर 0, 7 का 8 में गुणा, 7 8 56, 5 हासिल, 7 3 21 और 5 2600 कितना 7, और 5 का फिर इसमें गुणा, क्योंकि कोई चीज ब्रेकेट में लिखा हो और बाहर कुछ लिखकर गुणा करना हो तो इसका मतलब होता है इससे इस पूरे में आप गुणा करेंगे, कर लीजिए, प्लस 5 8 40, 5 3 15 और 4 19, आपका उत्तर आ गया 0, 9 6 15, 6 1 7 1 8 और 2 2800 कितना 50। तो मित्रों ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आपको हम टाइप नंबर 2 से मिलाते हैं, वो भी ऐसे है, और देखिए योगफल कितना आसान होता जा रहा है, आप फटाफट ये सब कर सकते हैं। टाइप नंबर सेकंड देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, मैं कहूं 7 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल, 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 20 गुणज का मतलब 7 का टेबल लिखना है आपको, कितनी बार,
20 बार। तो देखिए लिखते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, ऐसे आप लिखते चले जाइए 20 बार, तो 20 × 7 = 100 कितना? 40। 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 20 बार लिखे 7 का टेबल, तो 20 × 7 आपका हो जाएगा 140। एक बार आप ध्यान से देखिए, इनके बीच में भी तो अंतर समान है। ये देखिए 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, मतलब सब में अंतर बराबर है 7 7 का। और जब अंतर बराबर है तो आप फिर से गुणा करिए औसत गुणे पदों की संख्या। दोस्त मैंने आपसे कहा बस एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है कि अगर प्रत्येक पद के बीच का अंतर बराबर मिल जाता है आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल इतना करना है कि पहला पद और अंतिम पद जोड़ना है। तो पहला पद है 7, अंतिम पद है 140, और बटे 2 करना है। अब दोस्त यहां एक चीज अलग है, वो है पदों की संख्या। तो इसमें कितने पद हैं टोटल? 7 का पहाड़ा 20 बार, तो इसमें 20 पद हैं, लिख लीजिए, काम ओके हो गया। ये आ गया 147 गुणे, इससे इसको काट दीजिए, 10 आ गया, तो आपका आ गया 1400 कितना? 70। तो दोस्त मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, फिर से सुनिए, यदि प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और गुणे में आपको लिखना है टोटल पदों की संख्या। ठीक है, अब देखिए जैसे अगला, इसमें आप कोई भी गुणनफल दे, किसी का भी 7, 8, 10, 12, 20, 25, 30, 35, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप इनको हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और आपको इस पे बताते हैं, जैसे 12 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 12 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसके प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा? 12 का टेबल लिखिए, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, ऐसे करते जाइए 15 बार, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 का 15 बार गुणा करेंगे तो 180 आया। दोस्त देखिए 12 12 का अंतर है, मतलब इनके बीच का अंतर एकदम बराबर जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, फिर वही पहला पद लीजिए, अंतिम पद लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इसमें कितनी संख्याएं हैं? तो 12 का 15 गुणज का मतलब 15 संख्याएं हैं। अब हल कर लीजिए दोस्त, ये 2 आ गया, 8 × 1 = 9 आ गया, और 1 आ गया 192 बटे 2 और गुणे 15। 2 से काटिए, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, देखिए 2 × 9 = 18 = 19, 2 × 6 = 12, 15 का 6 में गुणा करेंगे 90, 9 हासिल, 15 × 9 = 135 आया, और 9 तो 9 × 5 = 9 × 10 = 14, 1 हासिल, 3 × 1 = 4, और उत्तर आ गया 1440। तो ये इस तरह से हल होता है अगर गुणज दिया है तो। अब देखिए एक प्रश्न, एक टाइप आपको और बता दें तो आप ये प्राकृत संख्याओं का योगफल पूरी तरह से कर सकेंगे। जैसे आपके मन में चल रहा होगा ये सब तो शुरू से बता रहे हैं, 20 से कैसे होगा? तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 से 75 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग, सभी धन पूर्णांकों का योग, ध्यान से सुनिएगा, कुछ है नहीं, 25 से शुरू करना है और आपको 75 पर जाकर रुकना है,
तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला 75। इनके प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान है, तो दोस्त जो आपको अभी सिखाए थे वही फिर करिए, औसत गुणे पदों की संख्या। देखिए दोस्त, औसत क्या हो जाएगा, आपको याद हो चुका है, औसत होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो और गुणे। बस यही सीखना है दोस्त, पद कैसे निकालेंगे, कुछ है नहीं। जब भी पद पूछा जाए 20 से दिया हो तो लास्ट वाली डिजिट में से आप घटा दीजिए जो हुआ है इसके पहले वाला, क्योंकि मुझे 25 से लेना है मतलब 24 तक छोड़ देना है, तो आप इसमें से 24 घटा दीजिए। ये देखिए, 5 में से 4 गया तो 1 आया, 7 में से 2 गया 5 आया, अर्थात 25 से 75 तक टोटल 51 पद है, तो इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्त, ये क्या हो गया, जोड़िए, 75 25 हो गया 100, और 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 हो गया और गुणे 51, ये आ गया 0, 5 एक के 5 और 5 25। तो मित्र, अगर 50 से 75 तक आप जोड़ना चाहते हैं तो आपका योगफल आएगा 2550। ठीक है, जैसे कहीं से भी दिया हो इसके लिए आप परेशान मत होइए, कहीं से भी बीचू से दिया हो तो आप फटाफट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, बहुत पूछा जाता है आप में, मैं कहूं कि भैया दो अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योग, दो अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो दो अंक शुरू कहां से होता है, 10 से, ध्यान रखिए 10 से दो अंक शुरू होता है, प्लस 11 प्लस 12 प्लस लास्ट दो अंक होता है 99, क्योंकि दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। एक एक का अंतर है, फिर वही लगाएंगे क्या, पहला पद 10 है प्लस अंतिम पद 99 है बटे कितना 2 और गुणे इसमें पद कितना है, तो 99 में से जहां से शुरू हुआ इसके पहले वाला घटा दें, तो 10 के पहले 9 आता है, तो पदों की संख्या आ गई 90। गुणे करिए दोस्त 90। हम इसे हल करते हैं, 99 प्लस 10 बराबर 109, इससे इसको कैंसिल करिए तो 45। आपको ना 109 का टेबल याद है ना 45 का, तो हम इसे लिख लेते हैं 109 इंटू 45 को 40 प्लस 5 मल्टीप्लाई करिए, देखिए उत्तर आ गया 0, 4 का 9 में 36 और 4 के 4, अब इसका गुणा इसमें, तो प्लस 5 नवा 45 5 के 5, तो ये आ गया 5 4 6 10 5 3 8 1 9 4905। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दो अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए कि पहला पद दो अंकों की सभी धन पूर्णांक 4905 होगा, कैसे मैंने आपको बताया, तो ठीक है दोस्तों। इसके आगे सम विषम सारे ऐसे होते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कैसा लगा कमेंट करें। धन्यवाद।